नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना मेट्रो के बारे में। पटना में मेट्रो की शुरुआत को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द पटना में मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। इसको लेकर मीडिया में आए दिन सुर्खियां बनती रही है। पटना मेट्रो को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि PC3 के तहत 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। आपको बता दें कि पटना में ये मेट्रो स्टेशन जहाँ बनने हैं वो है आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल्लाह स्टेडियम, राजेंद्र नगर स्टेशन। बता दें कि इन स्टेशनों को चालू होने में या कहें कि इन परियोजनाओं की शुरुआत होने में करीब 42 महीने वक्त लगने वाला है। आपको बता दें कि वर्तमान में मलाही पकड़ी में कार्य चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि पहले चरण के तहत ISBT वैरिया तक का कॉरिडोर का निर्माण होना है। बता दें कि यहां पर मेट्रो का डिपो भी बन रहा है। यह भी बता दें कि यहां से नए बस स्टैंड के लिए भी परिचालन की सुविधा बहाल की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पटना में अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण कार्य को 42 महीने में पूरा करने के लिए ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने को लेकर जमीन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया है, जिसके तहत पटना के जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस कमेटी में ट्रैफिक SP अनिल कुमार, अपर नगर आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी भी शामिल हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस ट्रैफिक डाइवर्जन करने के बाद समाचार पत्रों में इस पूरे नए रूट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बता दें कि गांधी मैदान स्थित चिल्ड्रन पार्क से कारगिल चौक बीच व्यावसायिक वाहनों का परिचालन ओवनवे करने का मंथन चल रहा है। यहां पे वाहनों को JP चौक पहुंचने के लिए सुभाष पार्क, राम गुलाम चौक होकर जाना होगा। काली मंदिर के पश्चिम वाले ऑटो पार्क होगा। स्टैंड में आने वाली गाड़ियां चिल्ड्रन पार्क होकर SBI बिस्कुमान होते हुए JP गोलंबर जाएगी। बता दें कि पटना मेट्रो की शुरुआत को लेकर मलाई पकड़ी समेत कई इलाकों में कामों में तेजी देखी जा रही है। पटना में मेट्रो की सुविधा होने से एक तरफ जहां जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी तो वहीं रास्ते भी सुगम हो जाएंगे। बता दें कि खासकर नौकरी पेशा और कॉलेज व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह एक सुविधाजनक होगा। बता दें कि पटना में कुल 32 किलोमीटर मेट्रो का परिचालन होना है, जिसमें कि कुल 18 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी, जबकि 14 किलोमीटर का इलाका जो होगा वो एरिया एलिवेटेड ट्रैक के रूप में होगा। रेलवे की इस परियोजना के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि पटना में मेट्रो का कार्य तेजी चल रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक मेट्रो की शुरुआत हो जाए, लेकिन अभी तक मेट्रो का कार्य बहुत ही कम यानी कह लें कि धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे में मेट्रो कार्य में तेजी लाने की जरूरत है, साथ ही साथ तत्परता के साथ इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि 2024 तक पटना मेट्रो की शुरुआत हो सकती है, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके पटना मेट्रो की शुरुआत हो ताकि आम लोगों को शहर के अंदर लगने वाले जाम से निजात मिल सके और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़े, खासकर वैसे लोग जो शहर से बाहर शहर में काम करने के लिए आते हैं या फिर ऑफिस आते हैं, विश्वविद्यालय आते हैं, इन लोगों को जो है मेट्रो से काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।